जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहाँ लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन आ सकता है, तो विपक्ष जो है सीए को लेके कैसे देखता है? कल क्या होगा, हमारा स्टैंड वही है जो पहले दिन था। सवाल ये है कि चीन आपके घर में घुस रहा है और चीन के सीमा पर आपके जो मेमोरियल बना था, जो 1962 में जिन जवानों ने, जिन लोगों ने शहीद होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, क्या उस मेमोरियल को नहीं तोड़ दिया गया? चीन की फौज क्या आपके भारत के अंदर नहीं आ गई? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? आप सीमाएं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीए लाना चाहते हैं, आप अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की गलती और कमी की वजह से सिविलियंस की जान जा रही है, तो कितना अविश्वास आपके प्रति पैदा हो रहा है? तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप उलझे मत। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और जो सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बलिया के किसानों की क्या आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ का नौजवान पक्की नौकरी पा रहा है, मिल गई? इसलिए आप हर बात को समझते हैं, धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, किसान को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और उन सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे छिप जाती है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक है, किसान उसी की जगह है, उसी के तहत न्याय मिले। अच्छा सर, महादेव वाले मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ जो है चार्जशीट हुआ है, क्या कहेंगे? आप क्या बातें कर रहे हो, आप आपको सब पता है। अच्छा, बलिया से बेहतर कौन जानता होगा? यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था, इसमें हो सकता कोई हो, सभी लोग आपको कितना लड़ना पड़ा, और सच के लिए लड़ना पड़ा, और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत है ना आप? तो ये बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं, जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी भी लीडर को कहीं भी फंसाया जा सकता है। अच्छा सर, अरे ऐसो आप रख लीजिए अपना, तो क्या करेगा ऐसो आपका? अच्छा सर, अंत में सिर्फ एक सवाल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं, कई बार आप उनका समर्थन करते हैं, कई बार आप उनको नसीहत भी देते दिखाई दिए, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।